नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लेकर आया हूँ एमओ मॉड्यूल प्रोसेस एंड एसएपी। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चरों में मैंने एमओ मॉड्यूल प्रोसेस बताई थी। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देखिए, जिससे आपको एमओ मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्त, सबसे पहले हम देखते हैं एमओ मॉड्यूल की प्रोसेस, हमने इसमें क्या समझाया और आज क्या समझेंगे। सबसे एमओ मॉड्यूल की प्रोसेस होती है परचेस रिक्वेस्ट, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कौन परचेस रिक्वेस्ट जनरेट करता है। सेकेंड है परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर हम कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 2 में बताया हुआ है। थर्ड है वेंडर इनवॉइस। फोर्थ है जी आर एन एस ए पी। जी आर एन एस ए पी में दो टाइप्स होता है, गेट एंट्री और गुड्स रिसीव। और फिफ्थ है क्वालिटी रिलीज और सिक्स्थ है मायरो। ये होती है मॉड्यूल की प्रोसेस पूरी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था परचेस रिक्वेस्ट क्या होता है, कैसे बनता है और एग्जाम्पल के साथ बताया था। परचेस ऑर्डर का भी सेम वीडियो में बताया था कि परचेस ऑर्डर क्या होता है, कौन जनरेट करता है, किसके थ्रू हम माल मंगा सकते हैं, परचेस ऑर्डर के बाद क्या करते हैं, ये सब डिटेल्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एमओ मॉड्यूल का वेंडर इनवॉइस देखेंगे कि वेंडर इनवॉइस कैसा दिखता है, कौन जनरेट करता है, क्यों वेंडर इनवॉइस मंगाते हैं। और सेकेंड देखेंगे जी आर एन, कि जी आर एन एस ए पी में क्यों बुक होती है, उसमें दो मूवमेंट टाइप क्यों होते हैं, हम 103 क्यों करते हैं और 105 क्यों करते हैं। यदि आप 103 और 105 समझेंगे तो आपको जी आर एन बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आपको प्रैक्टिकल करने में ईजी होगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं वेंडर इनवॉइस क्या कहता है हमसे और ये क्या होता है, उसके बाद जी आर एन देखेंगे। फर्स्ट है वेंडर इनवॉइस। वेंडर इनवॉइस का मतलब होता है दोस्तों, आइए रीड करते हैं। अब वेंडर इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट लिस्टिंग द अमाउंट ऑन टू अ सप्लायर बाय द रिसिपेंट। ठीक है, वेन अ कस्टमर ऑर्डर गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट, द सप्लायर प्रिपेयर एन इनवॉइस एंड इशू इज टू द कस्टमर। दोस्तों, वेंडर इनवॉइस हमसे कह रहा है कि जब भी हम कोई मटेरियल परचेस करते हैं तो वो हमें डॉक्यूमेंट्स साथ में देता है मटेरियल के, जिस डॉक्यूमेंट्स में पूरी डिस्क्रिप्शन रहती है मटेरियल की कि हमें कितना अमाउंट पे करना है, वो उसको हम बोलते हैं वेंडर का इनवॉइस, जिसके थ्रू हम मटेरियल को परचेस करते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है कि वेंडर इनवॉइस अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फॉर अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या होता है दोस्तों कि वेंडर क्या करता है कि प्रोडक्ट या फिर मटेरियल हमें प्रोवाइड कराता है और कुछ सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, तो वो एक इनवॉइस के थ्रू एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है पेमेंट की, जिसके ऊपर पूरी पेमेंट डिटेल होती है। तो वो इनवॉइस के थ्रू हमें समझ में आता है कि हमने क्या मटेरियल परचेस करा, कितना रेट था, कितना क्या था, उसके अगेंस्ट में हम उसको पेमेंट करते हैं, इसलिए वेंडर हमें इनवॉइस क्रिएट करता है। आगे देखते हैं। एस ए पी वेंडर इनवॉइस ए डॉक्यूमेंट विच इंटीग्रेटेड बोथ मटेरियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल। दोस्तों, वेंडर का इनवॉइस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारी अकाउंटिंग मॉड्यूल जनरेट करता है, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो जैसे हमने कितना परचेस करा है, क्या रेट था, कितना हमें और देना है, कितना क्रेडिट पे लिया है, कितना कैश लिया है, ये सब हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरेट करता है। ऐसे भी परचेस ऑर्डर वुड बी प्लेस एंड सेंड टू अ वेंडर सप्लायर रिक्वेस्ट टू डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, ये हमसे कह रहा है कि ऐसे भी परचेस ऑर्डर जब भी प्लेस होता है तो वेंडर क्या करता है कि परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में हमें गुड और सर्विसेज देता है। हम परचेस ऑर्डर जनरेट करते हैं, फिर उसी के थ्रू हम देखते हैं कि वेंडर का नाम क्या है, वेंडर ने क्या एमआरपी दी है, वो पूरी डिटेल्स हमारी परचेस ऑर्डर में आती है। दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है, परचेस ऑर्डर गुड्स रिसीव एंड इनवॉइस। हम परचेस ऑर्डर बनाते हैं, उसके बाद हमें जो भी गुड्स रिसीव होते हैं और वो वेंडर हमें इनवॉइस सेंड करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इन वेंडर इनवॉइस। दोस्तों, हम जब भी वेंडर से इनवॉइस मंगाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें उसमें देखना रहता है और क्या क्या रिक्वायर्ड है और मैंडेटरी फील्ड क्या क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वेंडर के इनवॉइस में वेंडर का नाम होना चाहिए, कस्टमर किसको बिल कर रहा है वो होना चाहिए, मटेरियल क्या हम परचेस कर रहे हैं, उसका इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, कितनी क्वांटिटी हमें दे रहा है, वेंडर का रेट क्या है, अमाउंट क्या है, टैक्स कितना लग रहा है, 5%, 12%, 18% या 23%, वो टैक्स चेक करेंगे, और इनवॉइस की वैल्यू क्या है। ये पूरी 10 चीज़ें मैंडेटरी है। यदि मान लो वो वेंडर हमें इनवॉइस और मटेरियल ही नहीं देता है तो हम उस इनवॉइस का कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए काम करनी है, हमें दूसरा वेंडर का इनवॉइस मंगाना पड़ेगा। यदि सपोज उसने इनवॉइस नंबर नहीं दिया, इनवॉइस वैलिड इनवॉइस नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें विदाउट इनवॉइस नंबर के हम कोई भी मटेरियल परचेस नहीं कर सकते, इनवॉइस नंबर इट इज़ अ मैंडेटरी पार्ट। तो दोस्तों, ये 10 पॉइंट है। जब वेंडर का इनवॉइस आए तो आप चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो ये 10 पॉइंट लिख सकते हैं,
जब भी वेंडर का इनवॉइस आए तो आप 10 पॉइंट चेक कीजिए उसमें, और आप चेक करेंगे तो आपको भी अंडरस्टूड होगा, आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। एक वेंडर है मिस्टर, मिस्टर भी कस्टमर है, ये लोग आपस में डील कर रहे हैं। ये डील कर रहे हैं कि वेंडर कंप्यूटर बेच रहा है मिस्टर बी को, और उसके साथ एक टेबल भी बेच रहा है। जब भी वेंडर से कस्टमर से डील करेगा तो वेंडर क्या है, इसको वेंडर अपने माल को सप्लाई करेगा इसके पास, कस्टमर के पास। तो वो क्या है, कस्टमर अपने वेयर हाउस में मंगाएगा, तो वेयर हाउस में उसको एक कंप्यूटर और एक टेबल चाहिए थी उसकी अकाउंटिंग के लिए। तो उसने डील करी, वेंडर जो है कस्टमर को कंप्यूटर और टेबल उसके यहाँ पर प्रोवाइड करा देगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वेंडर का इनवॉइस इस तरह से दिखता है। जब भी आपको वेंडर का इनवॉइस मिलेगा तो कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा, जीएसटी नंबर होगा, बिल टू किसको कर रहा है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस रेट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कंप्यूटर कंप्यूटर टेबल रेट दिखाई देगा, कंप्यूटर 18,000 का है, टेबल 5,000 रुपये की है, टैक्स कितना लग रहा है 18% आपके इन्वॉइस पर वो दिखाई देगा, इन्वॉइस की वैल्यू क्या आ रही है, टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स दोनों मिला के इन्वॉइस वैल्यू बनती है। यहाँ पे अकाउंटेंट जो भी इशू करा वो साइन करेगा, फिर चेक व ऑथराइज सिग्नेचर सिग्नेटरी। तो तीनों में से जरूरी नहीं है कि तीनों पे ही साइन हो, एक पे भी होगा तो भी इन्वॉइस इज ओके। इन्वॉइस का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, बट इन्वॉइस में ये पूरी मैंडेटरी फील्ड रहेगी, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। वेंडर का इन्वॉइस आपको इस तरह से दिखाई देता है, कैलकुलेशन इस तरह से होगा, और मटेरियल डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी और रेट आपको शो होंगे। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा, वेंडर का इन्वॉइस समझा कि वेंडर का इन्वॉइस कैसा होता है, क्या होता है। वेंडर का इन्वॉइस मतलब वेंडर कस्टमर को माल प्रोवाइड करा रहा है, उसके अगेंस्ट में इन्वॉइस दे रहा है जिसके थ्रू वो पेमेंट रिसीव करेगा। एक इन्वॉइस जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स बन जाता है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने क्या माल खरीदा है, किस रेट पे खरीदा है, कितना उसका अमाउंट है, हमें कितना पेमेंट करना है वेंडर को, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी खड़ी हो रही है जिसके जिस इन्वॉइस के बिहाफ में हम पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, वेंडर का इन्वॉइस। अब सेकंड समझते हैं जीआरएन, कि जीआरएन 103 गेट एंट्री और 105 रिसीव स्टॉक क्या होता है, जीआरएन हम क्यों करते हैं सेफ में। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जीआरएन हमसे कह रहा है, व्हेन यू प्लेस अ परचेस ऑर्डर टू वेंडर टू सप्लाई द मटेरियल ऑफ गुड्स, तो जब भी हम परचेस ऑर्डर को बनाते हैं तो उसमें वेंडर की पूरी डिटेल रहती है, उसी के थ्रू हम जीआरएन करते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, देन द स्टॉक इज अपडेटेड विद द न्यू क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिसीव इन गोडाउन स्टोरेज लोकेशन। जब भी हम जीआरएन करते हैं तो उससे क्या होता है कि नया मटेरियल हमारे स्टॉक में क्रिएट होता है, स्टॉक में रिसीव होता है, और वो मटेरियल फिर हम स्टोरेज लोकेशन वाइज रिसीव करते हैं जीआरएन सेफ में, और उसको फिर हम हमारी लोकेशन वाइज जमा देते हैं। ही विल सप्लाई देम विद द डॉक्यूमेंट्स विच इज़ कॉल्ड गुड्स रिसीव नंबर जीआरएन। जब भी दोस्तों हम जैसे जीआरएन करेंगे तो हम 103 105 करते हैं, हमने वेंडर का इन्वॉइस मंगाया, मैंने आपको बताया था वेंडर का इन्वॉइस क्या होता है, कैसे होता है और कैसा दिखता है, वो हमारे पास इन्वॉइस आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जीआरएन करेंगे। जीआरएन जैसे ही करेंगे तो एक जीआरएन नंबर जनरेट होता है, उसको जीआरएन नंबर बोलते हैं, गुड्स रिसीव नोट नंबर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, गुड्स रिसीव नोट इज अ रिकॉर्ड ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर एंड देन रिकॉर्ड इज शोन एज अ प्रूफ दैट ऑर्डर प्रोडक्ट हैज बीन रिसीव। दोस्तों जीआरएन क्या होता है, जीआरएन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उससे हमें पता चलता है सैप में कि हमने वो मटेरियल रिसीव कर लिया है, रिसीव करने के साथ हमारे पास प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने सैप में जब भी जीआरएन करा तो हमने क्या है कि इनवॉइस नंबर डाला, वेंडर का नाम डाला, क्वांटिटी डाली, रेट डाली, उससे हमारे सैप में अकाउंटिंग क्रिएट हो गई और हमें पता चल जाएगा कि हमारे सैप में क्या मटेरियल नया आया और किस डेट पे आया और क्या इनवॉइस नंबर के थ्रू आया है। द नोट सर्व एज अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी फॉर ऑर्डर एंड सप्लाई प्रोडक्ट अगेंस्ट इनवॉइस। ठीक है दोस्तों, ये तो जब भी कोई हमें माल सप्लाई करता है तो इनवॉइस के अगेंस्ट में सप्लाई करता है, वो प्रूफ होता है डिलीवरी का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आफ्टर गुड्स रिसीव इन एसएपी विद टू स्टेप एंड टू डिफरेंट मोमेंट्स इन मीगो। जब भी हम गुड्स रिसीव करते हैं ठीक है सेप में, तो उसके दो स्टेप होते हैं गुड्स रिसीव करने की। फर्स्ट होती है गेट एंट्री मोमेंट टाइप 103 और गुड्स रिसीव मोमेंट टाइप 105। आइए दोस्तों मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ, क्या गेट एंट्री का मतलब क्या होता है, 103 हम क्यों करते हैं और उसके बाद 105 क्यों करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मोमेंट टाइप 103 और गेट एंट्रीज का मीनिंग क्या है। जब भी आप जीआरएन करेंगे सबसे पहले आपको 103 मूवमेंट करना है, विदाउट 103 के जीआरएन नहीं होगा। गुड्स रिसीव फॉर परचेज ऑर्डर इनटू जीआर ब्लॉक स्टॉक, यू कैन नॉट रिसीव गुड्स इनटू गुड्स रिसीव ब्लॉक स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर।
मोमेंट टाइप 103 टू पुट मटेरियल इन जी आर ब्लॉक स्टॉक नो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेटेड। दोस्तों 103 का मतलब होता है जब भी हम 103 करते हैं उससे क्या है मटेरियल ब्लॉक हो जाता है। जैसे मटेरियल ब्लॉक होगा तो उसी की हेल्प से हम 105 कर पाएंगे। 103 करने से मटेरियल स्टॉक में क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ वो मटेरियल वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा उतनी क्वांटिटी से। फिर 103 जब ब्लॉक करा तो उसके नेक्स्ट स्टेप 105 कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी हमने ब्लॉक करी है। चाहे तो हम 105 वन टाइम में भी कर सकते हैं, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। 105, 103 हमें वन टाइम ही करना रहता है। जब फुल क्वांटिटी रिसीव कर रहे हैं तो 103 भी एक ही बार होगा, 105 भी एक ही बार होगा। और आप चाह रहे हैं कि यार 103 में तो मैं 10,000 क्वांटिटी ले लूँ और 105 में मैं 20-20 हज़ार करके 5 कर दूँ, तो ये भी पॉसिबल है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो 103 क्या कहता है हमसे कि हमने जैसी गाड़ी आई हमारी कंपनी में, हमने माल रिसीव करा, तो जैसी माल गेट पर पहुँचा, जैसे ट्रक गेट पे पहुंचा, तो 103 का मतलब है कि फैक्ट्री के अंदर गाड़ी आ गई है। ठीक है, जैसे ही हमारी वेयरहाउस में गाड़ी आई तो हम क्या कर देंगे, 103 कर देंगे। अभी हमने गाड़ी को अनलोड नहीं किया है, हमारी फैक्ट्री में सिर्फ ट्रक आया हुआ है। ठीक है, जैसे ट्रक आता है तो हम 103 कर लेते हैं कि यार हमें कोई माल हमारी कंपनी में आ चुका है, वो हमें इन्वॉइस दे रहा है, हम फुल क्वांटिटी से इन्वॉइस बुक कर लेते हैं। हम उसमें चेक नहीं करते हैं कि कितनी क्वांटिटी आई है, क्या नहीं है। 103 सिर्फ जैसी फैक्ट्री के अंदर ये ट्रक आ रहे हैं, ये 2 ट्रक दिख रहे हैं आपको, जैसे ये गेट खुला फैक्ट्री के अंदर आए, तो जैसे फैक्ट्री के अंदर आए हम क्या करेंगे, 103 कर लेंगे विदाउट ओपन द ट्रक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। मोमेंट टाइप 105 क्या कहता है हमसे, गुड्स रिसीव इन पुट टू जी आर ब्लॉक स्टॉक इन टू सेफ। जैसे हम 105 करते हैं तो हमारा गुड्स ब्लॉक कर देता है जितनी क्वांटिटी, 105 में क्या होता है पूरी क्वांटिटी ब्लॉक होती है, उसके थ्रू हम धीरे धीरे 105 करते हैं, लेकिन जैसे ही 105 करते हैं तो वो हमारा स्टॉक क्रिएट कर देता है सैप में। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर जनरेटेड, 105 करते से ही हमारी जी आई आर जो हमारी गुड्स रिसीव है वो जनरेट हो जाएगी, हमारी अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हो जाएगी कि हमने परचेस बुक कर लिया है सैप में। सिनेरियो देखते हैं। व्हेन वेंडर हैज सप्लाई द मटेरियल व्हेन इन एडवांस देन इट कमिट डिलीवरी एंड यू डोंट वॉन्ट दिस मटेरियल इमिडिएटली सो यू पुट द मटेरियल इन जी आर ब्लॉक स्टॉक। दोस्तों ये कह रहा है कि जैसे वेंडर आपसे कहता है कि मैं तो एडवांस में माल पहुंचा रहा हूँ, तो वेंडर ने आपको एडवांस में माल दे दिया, बट आप नहीं चाहते कि वेंडर हमें एडवांस में दे, तो आप क्या करेंगे, आप जी आर बुक करेंगे। जैसे ही वेंडर ने आपको माल पहुंचाया लेकिन आपने जी आर बुक नहीं करा, उसका मतलब है कि आपको सेफ में रिसीव नहीं हुआ है। जब भी वेंडर आपको माल पहुंचाएगा आप नहीं चाहते तो आप जी आर नहीं करेंगे, जब भी आप जी आर करेंगे उसी के बाद माल रिसीव होगा सेफ में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेंडर ने एडवांस में आपको माल पहुंचा दिया तो आपने जी आर एन कर ली, आप जब तक कंपनी के अंदर नहीं आएगा उसको अनलोड नहीं करेंगे तब तक आप 105 नहीं कर सकते। रिलीज फ्रॉम जी आर ब्लॉक स्टॉक फॉर परचेस ऑर्डर, जब भी हम परचेस ऑर्डर जी आर करते हैं तो वो पीओ से रिलीज कर देता है स्टॉक। 103 और 105 मोमेंट टाइम मिक्स होते हैं, जब भी हम 103 करते हैं तो उसके बाद हमें 105 करना रहता है, अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होती है और सेफ में मटेरियल बुक होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों 105 एग्जाम्पल के साथ समझते हैं मटेरियल अनलोडेड एंड रिसीव इन फैक्ट्री। जैसे हमने मटेरियल अनलोड किया और हमने फैक्ट्री में जमा दिया तो 105 होता है। 103 में हम क्या कर रहे थे, ट्रक फैक्ट्री के अंदर आ रहा था, हम 103 कर रहे थे, लेकिन 105 क्या कर रहे हैं, जब मटेरियल अनलोड कर रहे हैं ट्रक से और हमारी गोडाउन में जमा रहे हैं, तो जैसे मटेरियल चेक होगा तो हम देखेंगे यार कितना मटेरियल लिखना है, कुछ शॉर्ट क्वांटिटी तो नहीं निकली है, हमें कोई डेबिट नोट तो रेज नहीं करना है। जैसे सपोज तो हमने 100 kg मंगाया और उसमें 95 kg मिला, 5 kg शॉर्ट मिला, 103 में क्या करेंगे, फुल क्वांटिटी से रिसीव करेंगे 100 kg से, और 105 में क्या करेंगे, 95 से करेंगे। एग्जाम्पल में जो भी आपको शॉर्टेज मिलेगा जितना एक्चुअल रिसीव होगा वो आप 105 में दिखाएंगे और 103 में आप फुल दिखाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जी आर लीडर मोमेंट टाइप 103 105 को देख लेते हैं फटाफट। गुड्स एंटर इनटू फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, जी जब भी हमारी फैक्ट्री में गुड्स रिसीव होगा, जैसे ही फैक्ट्री के अंदर आएगा तो हम 103 करेंगे। मोमेंट टाइप 105 गुड्स रिसीव अनलोडेड इन फैक्ट्री वेरियस लोकेशन एंड ओपन द ट्रक एंड अनलोडेड मटेरियल आफ्टर ही चेक मटेरियल इज ओके और नॉट एंड वॉट अमाउंट हैव बीन रिसीव इन एक्चुअल। दोस्तों 105 हमसे कह रहा है कि जब भी हम मटेरियल को अनलोड करेंगे फैक्ट्री में अलग अलग लोकेशन पे और हम ट्रक को ओपन करेंगे अनलोड करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि मटेरियल ओके है, सही है कि नहीं है, कोई शॉर्ट क्वांटिटी तो रिसीव नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में 105 करते हैं। 103 में क्या है, ये फैक्ट्री के अंदर मटेरियल आ रहा है, उसके बाद ये वेयर हाउस में जाएगा, और 105 में क्या होगा,
मटेरियल अनलोड होगा, मटेरियल यहाँ पे अनलोड करके हम जमा देंगे। तो 1 से 3 में ट्रक फैक्ट्री के अंदर आता है, 105 में मटेरियल रिसीव होता है वेयर हाउस में, ठीक है दोस्तों। 103 गेट एंट्री होगी, 105 अनलोड होगा, चेक करेंगे, जितना एक्चुअल में रिसीव होगा उतना हम सैप में दिखाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू क्रिएट गुड्स रिसीव इन SAP। ये है कि हम सैप में मीगो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें मीगो ट्रांजेक्शन चलाना है, फिर जो भी हमने परचेस ऑर्डर बनाया है, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं परचेस ऑर्डर की, कि जो भी हमने परचेस ऑर्डर बनाया है तो परचेस ऑर्डर नंबर हमें वहाँ पुट करना है। उसके बाद हम मूवमेंट टाइप 103 लेंगे, जब 103 सेव करेंगे तो एक GR नंबर जनरेट होगा, वो GR नंबर फिर हम 105 में यूज़ करेंगे। 105 में यूज़ करेंगे तो मटेरियल अपने आप दिखाई देगा, आपको शॉर्ट मिला है तो मटेरियल चेंज करेंगे, फुल मिला है तो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे सेव हो जाएगा। तो इस तरह से मीगो की ये प्रोसेस होती है। आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मीगो का। ये मीगो का स्क्रीनशॉट है, आपको यहाँ पे परचेस ऑर्डर नंबर डालना है, यहाँ पे मूवमेंट टाइप पहले 103 लेना है, GR इंटू ब्लॉक स्टॉक, फिर डेट लेनी है, यहाँ डिलीवरी नोट, बिल ऑफ लेडिंग लेना है, इन्वॉइस नंबर, हायर टैक्स में व्हीकल नंबर डालना है, और एडिशनल टैप में आप वेंडर की डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे आप PO नंबर डालेंगे तो आपके सामने यहाँ मटेरियल ओपन हो जाएंगे कि आपने क्या मटेरियल परचेस किया। जैसे कंप्यूटर परचेस किया तो कंप्यूटर दिखाई देगा, एक दिखाई देगा, लोकेशन दिखाई देगी, प्लांट दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे टिक का ऑप्शन आएगा, आपको टिक करना है और पोस्ट करना है। जैसे आप पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो आपको राइट साइड में एक वीडियो दिख रही होगी, आप चाहे तो यहाँ से GRN की वीडियो देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, आज की वीडियो में हमने क्या देखा, वेंडर का इन्वॉइस। वेंडर का इन्वॉइस कैसा होता है, इस तरीके से होता है। वेंडर का इन्वॉइस मतलब वेंडर हमें मटेरियल दे रहा है, मटेरियल जैसे ही मटेरियल प्रोवाइड कराएगा उसके अगेंस्ट में बिल देगा। बिल में हम देखेंगे मटेरियल क्या है, रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, अमाउंट क्या है, बिल नंबर क्या है, कस्टमर का बिल टू किसको करा है, वेंडर का नाम क्या है। तो ये चीज़ें हमें वेंडर के इन्वॉइस में दिखती है। वेंडर का इन्वॉइस इस तरह से दिखता है दोस्तों। 103 करते हैं गेट एंट्री। गेट एंट्री में क्या होता है, जैसे फैक्ट्री के अंदर ट्रक आया तो हमने गेट एंट्री कर ली, हमने ट्रक को अनलोड नहीं करा, विदाउट अनलोड करे हम ट्रक को गेट एंट्री कर लेते हैं तो उसको 103 कहते हैं। 105 में दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि सब इसको गेट एंट्री कहें, इसको ब्लॉक स्टॉक भी बोलते हैं, सब अलग अलग यूज़ करते हैं, बट 103 का यही मतलब होता है कि फुल क्वांटिटी से हम इन्वॉइस को रिसीव कर रहे हैं, कि जितने जैसे ट्रक में हमें इन्वॉइस मिल गए तो हमने 103 बुक कर लिया, हमने ये नहीं देखा कि इसमें कितना माल है कितना नहीं है। 105 में क्या हो गया, हम वेयर हाउस के अंदर माल रिसीव कर रहे हैं, अंदर स्टॉक में अनलोड करेंगे इस मटेरियल को, और जितना हमें एक्चुअल में मिलेगा वो हम 105 में करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा वेंडर और GRN, और आज थर्ड लेक्चर था, तो हमारे दो दो पॉइंट्स और बचे हैं। एक बचा है क्वालिटी रिलीज और दूसरा बचा है मायरो, जो मैं अपने लेक्चर 4 में कंप्लीट करूंगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।